डॉक्टर राना फ्राम ए टू जी मैं इसे विदनाट करूँगा कि उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट एं है यहाँ पे मगर जो बेचारे एम्प्लॉयड हैं वो भी कोई ख़ास इतनी अच्छी सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं कि वो अपने घर चला सकें या फिर अपने आगे फ़र्दर कोई भी प्लान आउट कर सकें वो एक जॉब के साथ साथ दो तीन जॉब्स कर रहे हैं उसके अलावा भी उनका गुजारा उसमें पूरा नहीं होता है अगर आप मिसाल लें किसी भी हॉस्पिटल के वार्ड बॉयज़ की या जिम्मेदार कौन है ऑफकोर्स हमारे हायर अथॉरिटीज़ मैं किसी एक को तो नहीं ब्लेम करूँगा अगर फ़र्ज़ करें प्राइवेट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं खुद एक हॉस्पिटल से एसोसिएट हूँ वो एम्प्लॉज से रखते हैं उनको सैलरीज भी देते हैं बट वो जो सैलरी स्केल है दे नेवर चेंज इट एक सेकंड में आपकी बात काट रहा हूँ मुझे एक बात बताइए आप लोगों को सिर्फ हायर अथॉरिटीज़ में ही कुछ गलत नज़र आता है आपको इस कमरे में कुछ गलत नहीं नज़र आ रहा मतलब आपके ख्याल में आप लोग किसी तरह गलत में नहीं है या हम लोग गलत में नहीं है मैं और हैदर को मैं एक्सक्लूड नहीं कर रहा लेकिन मैं अगर एक एक छोटी सी बात कहूँ एक हम उम्र केडर ऑफ लोगों में इतनी हॉस्टिलिटी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी होगी इतनी हॉस्टिलिटी नहीं हॉस्टिलिटी हम है, गलत हैं तो बोलना ये... शुरू करता है तो दूसरा जो है मजाक करना शुरू हो जाता है ये हॉस्टिलिटी है बट मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि अगर हम किसी तरह मजाक में ही ये असल बात कह जाए तो क्योंकि देखें गुस्से के साथ गाली गलोज के साथ हम बहुत कुछ कह सकते हैं मगर उन बातों को क्या फ़ायदा हो कि अगर आप सुन ना और अगर वही बात अगर आप एक अच्छे मीडियम में हल्के मीडियम में अपनी बात पहुँचा दें दूसरों तक आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हॉस्टिलिटी है आप बात नहीं कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि इवन दो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन जो नहीं बोलना चाह रहे हैं वो बजाय इसके कि यक जबान हो जाए उस आदमी से जो फरमाना कुछ चाह रहा है आप बजाय उसके आप तनकीद हो रही है या मजाक हो रहा है मतलब दैट्स नॉट नॉर्मल ये नॉर्मल आप समझते हैं ये बस एक नॉर्मल चीज़ है कि जो खेचो ये ये नॉर्मल है पाकिस्तान और हायर अथॉरिटीज टू ब्लेम है इज इट नॉर्मल नहीं हायर अथॉरिटीज क्या हैं ये कौन है हायर अथॉरिटीज़ जिसको आप हवाला दे रहे हैं हायर अथॉरिटीज़ का क्या मुराद है इससे आपकी हायर अथॉरिटीज़ आर यूजुअली ओनर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स और द ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो रखे हुए सर उनके फैसले जो हैं वो तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन पे होते हैं बट इकॉनमी का जिम्मेदार कौन है जो मीशत ओवरऑल के जो हालात हैं जाहिर है वो उससे रिएक्ट कर रहे होते हैं उनकी भी एक तो ये एक्चुअल जिम्मेदार आप प्राइवेट बिजनेस ओनर्स को ठहराते हैं अनएम्प्लॉयमेंट मैं एक बात कर रहा था शुरू मगर वो बात बीच में अधूरी रह गई जो कह रहा था मैं भूल गया हूँ खैर अब तो बात हो रही थी प्राइवेट सेक्टर से लेके गवर्नमेंटल में इसके बारे में आप क्या अगर आप गवर्नमेंटल सेक्शन में आ जाए चलें लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट सम गवर्नमेंटल ठीक है व्हेन वी ग्रेजुएट वी गो फॉर लीगल अपना हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है रजिस्ट्रेशन होती है ठीक है वो यूजुअली मिनिमम जो उसका टाइम रिक्वायरमेंट है दैट इज़ लाइक 15 डेज 15 वर्किंग डेज मगर वो पिछले तीन महीने से अभी तक नहीं आए बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका और इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं वो दिल बर्दाश्त होकर फिर वो दूसरा तरीका ही अपनाते हैं कि मिट्टी गर्म कर देना चाय पानी दे, दे देना एंड ऑल दैट तो सारे सेक्टर थैंक यू वेरी वेरी मच मच थैंक यू नेक्स्ट सलामैकम आम हिबास सईद सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब रेवोल्यूशन की बात हुई थी तो हम एज अ यूथ रेवोल्यूशन बिल्कुल ला सकते हैं यूथ फोरम्स बना सकते हैं हम अपने जो इश्यूज़ हैं अगर यूथ उस पर डिस्कशन करें और इस्पेशली ये कि अगर हमारे यूथ में सही कुछ पॉलिटिकल लीडर्स आ गए हैं आप देखें कि यूथ में से पॉलिटिशन्स नहीं आते हैं कोई या पोलिटिकल लीडर बनना नहीं चाहता है ठीक है अगर हमारे में से कुछ लीडर्स आगे निकलेंगे तो लाजमी बात है कोई नई सोच सामने आएगी कोई नई उमंगे सामने आएंगे और बेटरमेंट आफाइन रेवोलूशन आपने कहा आ सकता है वो क्या है रेवोल्यूशन देखें रेवोल्यूशन बहुत सारी फॉर्म्स में होता है जिस तरह से उन्होंने लॉयर्स मूवमेंट की बात करी लॉयर्स मूवमेंट में भी एक रेवोल्यूशन था लेकिन ढाका छुपा रेवोल्यूशन था उससे बेटरमेंट आई लेकिन इतनी नहीं आई जितनी कि आ सकती थी ठीक है इस वक्त अगर हम चाहें कुछ हद तक पाकिस्तान के अगर हालात बेहतर होते हैं तो ये भी एक रेवोल्यूशन है इस वक्त जो पाकिस्तान इतने वर्स्ट सीनारियों से गुजर रहा है अगर कुछ भी इसमें अगर आप आ, इन ब्लास्ट को भी रोक लेते हैं अगर आप तालिबेनाइजेशन की जो एक टर्म है जो हम सब पे हावी हो चुकी है बुरी तरह अगर आप एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल कर लेते हैं थोड़ी हद तक तो ये भी रेवोल्यूशन है, है तो हां हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स बिल्कुल दोनों होते हैं मीडिया बिल्कुल इस वक्त थोड़ा नेगेटिव साइड पर भी है लेकिन ये हम लोगों को इतनी अवेयरनेस मेरे खास से आप दे चुका है कि हमारे ऊपर है कि हम कौन सा पाथ चूज करते हैं हम कौन से वे पर चलना चाहते हैं छोटी बात थोड़ी सी बात मैं और कहना चाहूँगी कि हमारे मीडिया ने हाँ सही बात है जहाँ बहुत पॉजिटिविटी भी दिखाई है वहाँ नेगेटिविटी भी दिखाई है लेकिन उस नेगेटिविटी दिखाने से ये गया है कि हम बहुत ज़्यादा डिसेंसीटाइज हो गए सेंसेशनलिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब बॉम्ब्लास्ट देख कर हमें दुख नहीं होता अगर हंड्रेड से ज्यादा जहाँ तक मुझे लगता है अगर हंड्रेड से ज्यादा किलिंग्स नहीं हुई होती तो हमारी कोई बड़ी बात नहीं होती अगर पचास गाड़ियाँ नहीं जली होती तो हमारी कोई बड़ी बात तो नहीं होती मीडिया ना बताए मीडिया बताए बिल्कुल बताए है लेकिन देखिए एक प्रोजेक्ट करने का एक स्टाइल भी होता है एक प्रोजेक्ट करने का वे होता है आप साइड में एक बाग

क्रिएट की है उसके मुकाबले में जो डिसेंसिटाइज उस अवेयरनेस की वजह से आवाज हो गई है तो ज़्यादा नुकसान अवेयरनेस ना क्रिएट करने से है या ज़्यादा नुकसान इससे है कि हम याद हो गए सर मेरा नाम राजा है मैं आपसे सिंपल यही बात करूंगा कि हम लोग सबसे बड़ी मसला क्या है करवा लो बातें जितनी करवानी वही बातें करोड़ की दुकान पकड़ोगे सर यही सारे बातें करते जाएंगे सारे करते जाएंगे करते जाएंगे करेगा कोई कुछ नहीं सब भी जाएंगे घर पर सो जाएंगे सिंपल सिंपल बाद में सेकेंड बात कैसे बदलें सर आप रेवोल्यूशन की जो बात कर रहे हैं उसके लिए आप बोलें एक कॉम गाना कॉम के लिए बहुत छोटा स्टेप है कुछ नहीं करना ये सब कर सकते हैं मैं इनसे यही अपील करूँगा कि जो फॉरवर्ड मैसेज आते हैं आपके पास कि फलानी कॉम का फलानी कॉम का उनका मजाक उड़ा जाए किसी भी कॉम का एक्स वैली पठान हो बलोच हो सिंधी हो पंजाबी हो वो आप फॉरवर्ड करना छोड़ दो आज से एक रेवोल्यूशन सबसे बड़ी यही होगी सब गुड पॉइंट नेक्स्ट टोटली एग्री विद हम आई टोटली एग्री विद हिम क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट किया कि हम जो ये uh, मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का हम हैं तो पाकिस्तानी लेकिन जिस तरह आपने कहा कि डिफरेंट जो लैंग्वेज हम लोग uh, मतलब एक दूसरे के कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ तो वो सिंधी है वो पठान है ये डिफरेंस हम लोग बहुत बड़ा रखते हैं जिसकी वजह से रेवोल्यूशन लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ये डिफरेंस ख़त्म करना है कि हम जो है वो बलोची हैं या सिंधी हैं या उर्दू स्पीकिंग है ठीक है वो शनाख्त तो है लेकिन हम हैं तो पाकिस्तानी ना हैं तो पाकिस्तानी खड़ा तो हमें ये एक दूसरे तो से नफ़रत का बायस नहीं बनना चाहिए वरना कल्चर को एंजॉय करना सेलिब्रेट करना अपने कल्चर के करीब रहने में बुराई नहीं है लेकिन इसको एक नफरत का की बुनियाद बना लेना ये गलत एग्जैक्टली आई एग्री बिकॉज हम लोग मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का और जिस उन्होंने भी जो ये बात उठाई कि जो आ, मतलब जो बोल रहा है हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं एटलीस्ट वो बैठ के यहाँ अपना पॉइंट तो शेयर कर रहे हैं जो वो बताना चाह रहे हैं वो शेयर तो कर रहे हैं बजाय उनके जो चुप रह के दूसरों का मजाक बताएं कि जो एक दूसरे की कौमियत का लोग मजाक कभी एस एम एस हो गया या ऐसे कोई हल्का मजाक कर लिया तो क्या वो नफरत के मुतरदफ है वो मज़ाक नफ़रत के नहीं वो लोग आ, मतलब अपना थोड़ा माइंड चेंज करने के लिए लेकिन आ, कुछ लोग जो है वो उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और उस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं जिस तरह टर्की की और इजिप्ट में लोगों ने रेवोल्यूशन <laughs> मतलब वो एक रेवोल्यूशन लाए वो इसलिए क्योंकि देवर वन

पहले हम अपने दिलों की नफरत खत्म करेंगे तो हम कुछ कर सकेंगे और हमें पहले अपने आप को चेंज करना है Can you stand up, please? मैं दो पॉइंट रेस करना चाहूँगा एक तो ये कि रेवोल्यूशन का रेवोल्यूशन वर्ड को हमने इतना इजी बनाया और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों जब भी रेवोल्यूशन का नाम आता है तो हमारे जहन में पता नहीं क्यों खूनी इनकलाब आता है बल्कि रेवोल्यूशन ज़रूरी नहीं कि खूनी इनकलाब हो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा भी फेर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए और उससे जब लोग इलेक्ट करके अपने कैंडिडेट्स को लेकर आएंगे तो वो भी जो है किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं और एक पूरा अमन रेवोल्यूशन उससे आ सकता है और मीडिया के हवाले से जो है वो आ, बात की गई कि मीडिया जो है इतनी ज़्यादा बुराई क्यों दिखाता है तो हकीकत यही है कि बुरा हो रहा है तो बुरा नज़र आ रहा है अगर मीडिया ये सब ना दिखाएगा तो फिर उस पी वाले एरा में जो नाइन्टीज़ का और एट्टीज़ का होता और अब के एरा में क्या फ़र्क रहेगा जब पी का टारगेट ही होता था कि सब अच्छा है और इस वक्त जो है कि सभी किसी ना किसी लेवल पे गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है कोई प्रोविंशियल में कोई फेडरल गवर्नमेंट में तो अगर कोई सही मानने में अपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है तो वो मीडिया है तो मीडिया जो कर रहा है वो सही कर रहा है बल्कि उसको ये सब चीज़ें दिखानी चाहिए ताकि ये हकीकत है कि लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि जो हो रहा है कंट्री के अंदर थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट आप इनको माइक पास कर देंगे प्लीज कैन यू पास द माइक आप कहिए क्या कहना चाहेंगे किसी भी मुल्क की इकनॉमी हम देखते हैं तो वो देखते हैं हम जी डी पी उसका और इसी वजह से मीडिया बोलती है कि पाकिस्तान की जीडीपी कम जा रही है तो यहाँ माशीत बहुत बदहाली है ये है वो है लेकिन आप ये तो देखें कि हर कोई यहाँ पे अपनी इनकम छुपाने की कोशिश करता है किसी से भी आप अपनी इनकम पूछें वो आप सही नहीं बताएगा इस वजह से कि वो टैक्स बचाना चाहता है नहीं इनकम एक पर्सनल मैटर है ये एक पब्लिक स्टेज है और यहाँ पे कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इन चीज़ों के बारे में बात करने की कोई खत्म जरूरत नहीं है वक्त लेकिन आप सही कह रहे हैं चलें जीडीपी डी परसेंटेजेस आप कुछ कहना चाहेंगे आप रेवोल्यूशन की बात करते हैं आप सब बैठ के यहाँ पे क्या बात करते हैं आप लोग आप लोग सिंधी वाले थी बशतून जबान और उर्दू स्पीकिंग बटे में महाजर को आज तक महाजर बुलाया जा रहा है पाकिस्तानी क्यों नहीं बोलते आप लोग उसको सैतालीस में था हम उर्दू स्पीकिंग है भाई हम पाकिस्तानी हैं मेरा स्पीकिंग बाप पाकिस्तान में पैदा हुआ तो आपको तो आप अपने आपको उर्दू स्पीकिंगी कहेंगे नहीं, मैं क्योंकि पाकिस्तानी आप उसको अपनी मैं। नहीं समझते हैं जितने भी है, हमारे मेरे जो है, आते हैं महाजरीन है के ऊपर भाई महाजरीन तो यार हमारे दादा अब दादी अम्मी थे यार नहीं है ना महाजरीन बिल्कुल लेकिन वो तो उर्दू स्पीकिंग है वो पाकिस्तानी है यार ठीक है सही है सही है लेकिन आप रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं आपकी ही बटी हुई है

आप जबाने कौन जबानी पाकिस्तान में तो आपसे ये कोई आपका सवाल है सवाल ये नहीं है कि आप कौन सी कौम को बिलोंग करते हैं ये नहीं है सवाल इस पे ये नहीं होता आप, आप, आप कोई सवाल कर ले तो आप क्या जवाब देते हैं उसका मैं बोलता हूँ भाई सिंपल पाकिस्तानी हूँ और अगर आप मुझसे लैंग्वेज का सवाल करते हैं हाँ तो मैं उसमें लैंग्वेज में उर्दू और अगर थोड़ी समझ सकता हूँ तो वो सिंधी या पंजाबी ठीक है ये लैंग्वेज होना चाहिए क्या ये तो ये बात बिल्कुल इसने गलत कही है क्योंकि देखिए अब ये स्टेज है ना इसको पता है कि यानी मैं मीडिया पे आ रहा हूँ या टीवी शो पे आ रहा हूँ ये, ये बात ये कर रहे हैं एक मिनट ये बात अभी ये कर रहे हैं मैं पाकिस्तानी हूँ ठीक है मैं पाकिस्तानी हूँ अगर आप पाकिस्तानी ठीक है तो आप हर हर कौम के बारे में सोचे देखिए बेसिकली पाकिस्तान जब ठीक है आजाद हुआ था पाकिस्तान कोई अपना कल्चर है नहीं हम मानते हैं ठीक है कि बलोचिस्तान में ठीक है बलोची है पठान है डिफरेंट वो है पंजाबी है हर कोई अपना कल्चर फॉलो करे ठीक है लेकिन ये बात तो बिल्कुल गलत है कोई भी ऐसा नहीं कहता कि आप जब आपसे को कोई पूछता है कि आप कौन है सबसे पहले यही बात होती है कि मैं माजिर हूँ आप किसी ने आपको ये नहीं कहा किसी ने ज़ोर जबरदस्ती आपकी आइडेंटिटी नहीं रखी आपने ख़ुद ही ये अपनी बनाई है देखे? आप पूछते ही खुद सबसे पहले यही हो करते हैं आप बिल्कुल देखे? अभी आप कराची में रहने वाले हो ठीक है अभी आपको जो मीडिया दिखाती है मीडिया मैं बिल्कुल मीडिया से वो नहीं हूँ कि मीडिया बिल्कुल सच बता रही ठीक है मैं ख़ुद बलोचिस्तान का रहने वाला हूँ वहाँ के हालात मैंने देखे हैं और मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि मीडिया पर वो क्या दिखा रहे होते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और कराची में रहने वाले

वहाँ ठीक है वहाँ के रिसोर्स यूटिलाइज़ हो, हो रहे हैं सब कुछ यूटिलाइज हो रहे हैं तो अगर आप पाकिस्तान का पार्ट नहीं समझेंगे और उससे पहले बांग्लादेश की बात हुई ठीक है बांग्लादेश अलग क्यों हुआ बांग्लादेश इसीलिए अलग हुआ ठीक है कि वो उनको यही कहते थे कि बंगाली हो बंगाली हो बंगाली हो बंगाली हो ठीक है सौ बातें होती सौ एंडी रखी होती कि यही हो तुम आज ऐसे ही हो रहे ठीक है पठानों का आ जाता है कि जैसे ये पठान हो पठान हो और वहाँ एनडब्ल्यू में ठीक है हज़ारा का एक अलग आइडेंटिटी रखी गई है पठानों की एक अलग आइडेंटिटी रखी हुई अगर आप लोगों को इतना इग्नाइट करेंगे इतना आप बोलेंगे कि ठीक है आप ये हो तो जाहिर सी बात है वो एक अलग स्टेट मांगेंगे और आज ऐसा हो रहा है और रेवोल्यूशन की जहाँ तक बात आ रही है मैं बिल्कुल नहीं समझता कि पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आ सकता है ठीक है बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूँ क्योंकि ये बात है ये बात मैं मानता हूँ और ये बात हमेशा चलती रहेगी आज तो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है हम एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर लाएंगे जो, जो बिल्कुल न्यूट्रल होगा यहाँ मेरे कास्ट का या मेरे ट्राइब का कोई बंदा खड़ा हो ठीक है और वहाँ कोई और न्यूट्रल बंदा खड़ा हो चाहे वो फरिश्ता हो फरिश्ता ही क्यों ना हो ठीक है लेकिन मैं अपने कास्ट अपने ट्राइब के बंदे को सपोर्ट करूँ कि ये, ये मेरे ट्राइब का है मैं इसको सपोर्ट करूँगा वो पाकिस्तानी मैं ये नहीं सोचूँ कि वो पाकिस्तानी मैं ये एक हूँ पंजाबी है महाजिर है जो भी है मैं उसको क्यों सपोर्ट करूँ ये मेरा अपना बंदा है अगर ये अच्छा ना पहुँचाए अच्छा वो भी मुझे नहीं पहुँचाएगा लेकिन कम से कम एक

मैं एक मिनट एक मिनट मैं भाई से भाई आपने कहा कि अभी रेवोल्यूशन नहीं आ सकता मैंने भी यही बात की कि रेवोल्यूशन जब तक नहीं आ सकता जब तक आप लोग कौमियत में डिवाइड है आप लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा यूनाइट मुतहद होना पड़ेगा भाई ये यहाँ ये पे यहाँ कुछ कहना चाह रही इनको माइक दें मैं इससे रिलेटेड एक बात करना चाहूँगी यहाँ पर अभी बात करें कि हम पाकिस्तानी हैं हम सिंधी नहीं हैं बलोची नहीं हैं अपनी आइडेंटिटी को खोकर आप पाकिस्तानी नहीं बन सकते हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ उसके बाद मैं गुजराती हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेस्ट हूँ सिंधी बलोची सारे हकीर हैं ये अगर हम अपना व्यू थोड़ा सा चेंज कर लें, लें तो मेरे ख्याल से मसला हल हो सकता है मेरी शनाख्त है लेकिन मैं बेस्ट नहीं हूँ और बाकी सब लोग हकीर नहीं और आज के पूरे प्रोग्राम में मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं हर मसले का हल सिर्फ ये है कि हमें अपने अंदर चेंज लाना है पाकिस्तान की कंडीशन में चेंज नहीं आ सकता तब तक जब तक हम अपने आप को चेंज ना करें चाहे वो रेवोल्यूशन हो चाहे वो सिस्टम हो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जब तक नहीं आएगा तब तक हम मुतहिद नहीं होंगे ठीक है डेमोक्रेसी भी हमें फायदा नहीं पहुंचा सकती हमें मिलिट्री uh, गवर्नमेंट uh, भी नहीं पहुंचा सकती अगर ऐसा होता तो कई सालों में पाकिस्तान फ्लरिश कर चुका होता दोनों हुकूमत हमने देखी दोनों निज़ाम देखे लेकिन हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि अवाम वही है अवाम में कोई चेंज नहीं है बलोचिस्तान के हवाले से थोड़ी अवेयरनेस अभी आपने ये कहा भाई को कि आप लोग ये कहते हो कि हम महाजन सही है हम कभी ये नहीं कहते कि हम महाजर मैंने हैं। नहीं कहा उन्होंने कहा मैंने कहा इसका जवाब हम, आप दे सकते हम हैं हम हमेशा ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हम पे ये तनकीद की जाती है कि तुम भूखे नंगे आए थे और तुम्हें लात मार के भगाया गया था ये हमें हमें ये बातें क्यों सुनने मिलती हैं हमें ये बातें क्यों सुनने जबकि पाकिस्तान बनने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी हैं हमें ये बातें क्यों सुनने मिलती हैं कि हमें भूखा नंगा भेजा गया था और ये किया गया था और वो किया गया था ऐसा क्यों है all right, all right, वो उसका जवाब देंगे अब ये हमने कुर्बानियां की बात कर रहे थे ना गया पाकिस्तानी पांच मिनट के अंदर जी बात सही पता चल गया देखें अगर इसने बात की ठीक है सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने दी सबसे हाँ, exactly, ज्यादा right, हर चीज हमने की हर कोई डोमिनेट होने की सोच रहे हैं यहाँ हर कोई डोमिनेट होने की सोच रहे हैं, कि मैंने सब कुछ किया आपने कुर्बानियां दी तो हम क्या कुछ नहीं कर रहे थे हम कुछ नहीं exactly, कर रहे exactly, थे सही है अगर अभी बात की ठीक है अगर वो अभी उसने बात की हम गुजराती है ठीक है हम बेस्ट नहीं है ठीक है बिल्कुल इसने सही बात की अगर आप बेस्ट नहीं है तो ठीक है आप दूसरों को क्यों वो करें ठीक है अगर आप वो कर रहे हो ठीक है पठान है आज उनको दहशतगर से पहचाना जाते हैं तकरीबन आप ये समझें कि अगर आप खुश हैं तो आप पाकिस्तानी और गुस्सा हो, हो जाए तो माजरे, है ना या गुस्सा हो जाए तो बलोच हैं गुस्सा हो जाए तो पठान हैं। तो बस अभी सिचुएशन ही ऐसी हो गई ना सिचुएशन ही ऐसी हो गई अब बलूचिस्तान कैसे सिचुएशन है ठीक है मैं खुद बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ अब मैं यहाँ कराची में रह रहा हूँ ठीक है आप लोग समझ रहे हैं हालात ख़राब है हालात ख़राब है ठीक है मुझे बिल्कुल टेंशन ही नहीं हो रही इस वक्त बिल्कुल भी ठीक है मैं समझ रहा बहुत अच्छे हालात हैं मैं बिल्कुल एक बहुत अच्छे जैसे लग रहा है मैं यूरोप में घूम रहा हूँ ठीक है छुट्टियों में नहीं मैं यहाँ एजुकेशन के लिए आया हूँ बेसिकली वहाँ से मुझे इतना अच्छा लग रहा है ऐसे लग रहा है ठीक है वाकई मुझे लग रहा है कि मैं छुट्टियों पर आया हूँ वहाँ की सिचुएशन ऐसी है यानी जैसे आज यहाँ ठीक है लोग मर रहे हैं सौ लोग मर रहे हैं दो सौ मर रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल कुछ है ही नहीं ठीक है वहाँ ऐसे होता है ठीक है कि एक एक गांव होता है ठीक है वहाँ या ब्लास्ट होते हैं या कुछ होते हैं या आर्मी ऑपरेशन होते हैं पाँच आर्मी ऑपरेशन हो चुके हैं वहाँ ठीक है अगर आर्मी को यानी यहाँ लोग इतना फोकस कर रहे हैं आर्मी पे कि ठीक है आर्मी अच्छी है या बुरी है जैसी भी ठीक है पाँच आर्मी ऑपरेशन हो चुके हैं अपने नेशन पे ही हो चुके हैं वो भी अपने नेशन के ही बंदे हैं और वहाँ यानी एक एक दिन में एक एक दिन में इतने लोग मरे हैं हजार मरे हैं दो हज़ार मरे तीन हज़ार मरे लेकिन किसी को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं उस वक्त क्यों कोई कुछ नहीं बोलता उस वक्त बोले ना ऐसा क्यों है आपके ख्याल से तो वही जब वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं किसी की ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं मैं मानता हूँ ठीक है ऐसे बहुत से शोज होते हैं बहुत से आर्टिकल्स लिखे मुझे हैं ये कुछ... बताएं कि ऐसा क्यों पाकिस्तान की को पड़ी है कि वो बलोचों के साथ इतना जुल्म करें ऐसा क्यों हो रहा है अगर आप सच कह रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है देखिए सबसे पहली बात है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की मैं आपको बात बताऊँ ठीक है अगर कोई सच बात कहे ठीक है मैंने बहुत से आर्टिकल्स लिखे हैं बहुत सी ऐसी बात होती है ठीक है जो सच बात आती नहीं है सामने मैं अभी मीडिया के आपको बता रहा हूँ ठीक है यहाँ लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ लोगों की गलती है कि ठीक है कि यहाँ बलूचिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं क्योंकि मीडिया में सच बात दिखाई नहीं जा रही ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं कोई सच बोलना चाहे उसकी आवाज़ दबा दी जाती है कि किसी कोई तरीका है ही नहीं कि कोई सामने और उसको रिप्रजेंट करे और वहाँ की गवर्नमेंट है जो है वहाँ वैसे लोग बिठाए हैं जो आगे कुछ बोल सकते हैं इरफान नाम मेरा बेसिकली मैं ये पॉइंट रेस करना चाहता हूँ कि हमने इतनी सारी बातें कर ली आप अपने फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट को जब तक चेंज नहीं कर सकते पाकिस्तान में रेवोल्यूशन मतलब अपने कंट्री के अंदर लोगों का फ्यूडल माइंडसेट जब तक चेंज नहीं कर सकते <laughs> जब तक रेवोल्यूशन नहीं आ सकता एक चीज़ दूसरी चीज़ ये कि इतनी बातें हुई पाकिस्तान के लिए कि इन्होंने ये किया वो किया पाकिस्तान के पास जब करेंसी के लिए पैसे नहीं थे तो पचास करोड़ रुपये का चेक राजा साहब महमूद आबादी ने पाकिस्तान को दिया था जो एक उर्दू स्पीकिंग ही थे ठीक है ना बाद में आप इनको यही तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं कौन थे वो आप यही कह रहे कि पाकिस्तानी थे।, थे थे, जी जी, वहां से जो आए थे वो थे। इस वक्त उर्दू स्पीकिंग है। हम सिंधी कहलाते हैं अपने आप को क्योंकि सिंध में रहते हैं। सही लेकिन पाकिस्तानी कहाँ से कहलाते तीसरा? नहीं नहीं तीसरे की बात ही नहीं ना से आप हिजरत करके आपकी मजबूरी है जिनके आबाव अजदा ने पचास करोड़ रुपए दिए थे पाकिस्तान को लाए ना कराची में रेवोल्यूशन यही तो है जो हालात चल रहे

वो फसले गुल जिसे अंदेषा जवाल ना हो पाकिस्तान